आज सुबह से मेरे फल नहीं बिके हैं, बहुत गर्मी भी लग रही है। थोड़ा सा पानी बचा है, पानी पी लेता हूँ। है, पानी खत्म भी हो गया। कोई नहीं, थोड़ा सा नल से और पकड़ लिया। आज पता नहीं, मेरे पास सिर्फ 10 रुपये पड़े हैं। 10 रुपये मेरा गुजारा कैसे चलेगा? घर का किराया भी देना है। मेरे फल बिकेंगे या फिर नहीं, सब भगवान की कृपा है। फल फल ताजे ताजे फल 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 ताजे ताजे फल 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 ताजे ताजे फल। अरे फल कितने के हैं? 100 रुपये के किलो। फल छोड़े, थोड़े फल कम कर। भैया मैं 100 रुपये से कम नहीं कर सकता, मैं तेरे सारे फल को फेंक दूंगा। सब्जी बिग बात, आप होटल में जाते हैं, हजार हजार रुपए खर्च कर कर आते हैं, वहां पर आप कुछ मोल भाव नहीं करते? और हम यहाँ पर गरीब इंसान, हम बैठे रहते हैं धूप में, इतना काम करते हैं। सॉरी, अच्छा मैं आपके साथ ऐसे कभी नहीं करूंगा। साहब जी देखिए, अगर आप ऐसा, ये लो पैसे। धन्यवाद साहब जी, भगवान आपको भला करे। और इस पैसों से मैं अपने घर का किराया भर सकता हूँ और 2 दिन तक खाना खा सकता हूँ। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। तो दोस्तों, आपको इस स्टोरी से क्या मोरल मिला? कि हमको किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? कि हमको गरीबों का हक नहीं मारना चाहिए। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।